चलो ओन, आज का टेस्ट अपना स्टार्ट कर लो। सबसे पहले ओन को मिला है कलर्स नेम, राइट कर रहा है। मैंने थिंग्स बना के दिए हैं ताकि वो अच्छी तरह पहचान कर ले कि किसमें क्या कलर होता है, और फिर वो स्पेलिंग लिखे प्रॉपर लाइन में। ई प्रॉपर लाइन में है, टू लाइंस में होता है, ग्रास लाइन में। रेज करो इसको, ये दरमियान वाली टू लाइन में। और उसके बाद सेकंड पेज, ये लो। चलो ठीक है, ये फर्स्ट पेज में मैंने आज टेस्ट दिया हुआ है कलर्स नेम, और सेकंड पेज में मैंने दिए हैं वोवल्स, और जैसे कि मैंने पहले भी रिपीट किया था, और व्हाट इज़ योर नेम, वो अपना नाम लिखेगा। बार बार चीज़ों को रिपीट करवा रही हूँ ताकि अच्छी तरह उसे पहचान हो जाए। आप लिखो बेटा, आप लिखो जल्दी से, पेंसिल शार्प करो, आपकी पेंसिल ठीक नहीं है। एक मिनट में पेंसिल का ये ले लो, ये मेरा स्टेशनरी बॉक्स है, इसमें मैंने हर चीज़ रखी होती है बच्चों के लिए, और यहाँ से ही मैं काम बच्चों को उठा के चीज़ें दे रही हूँ। ये बाद आप पढ़ो, जल्दी से फोर का टेबल याद करो। डी कितना गंदा लिखा आपने, ऑन जल्दी से, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, प्रॉपर लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा कलर है, कलर बताओ। हाँ लिखो कि जल्दी से यहाँ पे, शाबाश। ये एन आपका एच लग रहा है, आपको पता है। चलो नेक्स्ट, हरी अब हरी अब, नेक्स्ट क्या है, हाँ जी शाबाश, वेरी गुड मेरे बेटे, शाबाश, बस बस। हाँ उसके बाद नेक्स्ट, हदी याद करो जल्दी से, ये बात जल्दी से, फोर का टेबल कंप्लीट करो, फिर ही छुट्टी होगी आपको, जल्दी से, शाबाश। अच्छा उसके बाद गाइस ओन को लेने आ गए हैं, तो ओन का ये नेक्स्ट है मैचिंग हर्फ को तस्वीर से मिलाएं। ओन ने मैच करना है, ये हर्फ है और ये पिक्चर उसके साथ मैच करना है। उसके बाद नेक्स्ट है मसवते, मसवते होते हैं जैसे इंग्लिश में वोवल वर्ड होते हैं ए ई आई ओ यू, इसी तरह उर्दू के भी ये वर्ड हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, लफ्ज़ को बनाने में और जोड़ने में हेल्प करते हैं। मसवते हैं अलिफ वाओ छोटिए बढ़िए, वो टेस्ट अपना कंप्लीट कर लेगा। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस।